अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक और 5 मिनट स्टेप। सो आज की टिप क्या है, आप किस तरह से किसी वेबसाइट से फॉन्ट पसंद करते हैं अपने आर्टवर्क के लिहाज से और किस तरह से उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपने इलस्ट्रेटर में उसको यूज करेंगे। सो एक बात उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फॉन्ट पैक्स पूरे पूरे डाउनलोड करते हैं या किसी से सीडी से ले लेते हैं और कोई 2000 फॉन्ट से इंस्टॉल कर देते हैं। मत किया करें, आपकी रैम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई होगी, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। सही है। सो हर सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होता है तो वो अपने जितने भी फॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं वो उठा के मेमोरी में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैम में जगह कम रह जाती है। ठीक है। नाउ मैं यूजुअली ये कर रहा होता हूँ कि जब अपने फॉन्ट्स में कोई कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ और उसमें कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए होता है तो मैं वक्ती तौर पर उसको इंस्टॉल करता हूँ और फिर बाद में हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, देखें। सो अब ऑब्वियसली यार, अच्छा मैंने एक काम ये किया कि मैंने इसमें एक बैकग्राउंड कलर सिंपली ये डाल दिया, ये सिंपली येलो बॉक्स डाला हुआ है, इसको मैं लॉक कर देता हूं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, मैं इसको यहां से लॉक कर दिया। नाउ अब करना ये है कि मुझे इसके फॉन्ट्स चेंज करना है और मुझे चूंकि ये बच्चों की स्टोरी है तो मैं इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए उसी के लिहाज से फॉन्ट्स मैं चाह रहा हूँ, थोड़े कार्टूनिश से हूँ। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, abstractfonts.com, और इस वेबसाइट में यहां पर आप अगर आप देखें तो ऊपर आपको दी हुई है कैटेगरीज, मैं इसमें कैटेगरीज में जा रहा हूं और यहां पर ये रहा आपके पास कार्टून। ठीक है, मैंने यहां गया और एक काम करते हैं कि ये टेक्स्ट जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, सिंपली कंट्रोल सी, और यहां पर आके देखें, यहां पर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ कस्टम प्रीव्यू, यहां पे पेस्ट करें और एंटर करें। ओके जी। सो यहां पर मैंने जैसे यहां पर कस्टम टेक्स्ट कस्टम प्रीव्यू में मैंने अपना टेक्स्ट डाला, यहाँ नीचे तमाम तर जो फॉन्ट्स हैं उसमें मेरा वही टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। एंड इस तरह से फायदा ये होता है कि आपको चूज करने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का फॉन्ट चाह रहा हूं कि थोड़ा सा रफ सा भी हो और बचकाना सा भी हो लेकिन छोटे साइज के टेक्स्ट में इजीली पढ़ने में भी आए। सो बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि हेडिंग्स के लिए सही रहते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ बॉडी टेक्स्ट जो है उसके ऊपर मैं इसको प्रॉपरली यूज कर सकूं। सो लेट्स सी। ओके, आई थिंक मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है। एंड लेट्स सी, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ नीचे देखें आपको सारे, एक तो सैंपल भी दिखा रहा है आपको एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह भी इसमें, कैरेक्टर मैप भी आप यहाँ से देख सकते हो कि हर कैरेक्टर किस तरह का है। एंड या अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये आपके पास एक जिप फाइल आ जाएगी एंड इसको मैंने क्लिक किया। इसमें देखें आपके पास एक तो लाइसेंस वगैरह भी है, याद रखिएगा बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं लेकिन कमर्शियल यूज के लिए नहीं होते हैं, तो बहरहाल ये लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह जरा सा पढ़ लिया करें। एनीवेज, ये आपकी जो TTF फाइल है इसको मैं सिंपली डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहीं से विनरार में ये ओपन हो जाएगी, विनरार से ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का, यहाँ इंस्टॉल करें, ये आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल हो गया एंड बस इसको बंद करें एंड बैक टू इलस्ट्रेटर। सो सिंपली यहां पर आए, ये रहा आपका रंपल स्टिल स्किन। ऑलराइट, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, सी बेहतरीन फॉन्ट है यार। एंड यहां पर भी मैं यही फॉन्ट रखना चाह रहा हूं। एंड थोड़ा सा फॉन्ट साइज मैं बड़ा करना चाहूंगा, सो इस वक्त 12 है, लेट्स गो फॉर 14। एंड या अब देखें जहां तक वो टाइपोग्राफी वाली बातें हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेसेस और गैप्स और ये सारी चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा जब आप इस तरह की कोई चीज डिजाइन करते हैं। सो बहरहाल दिस इज इट, जो इस वक्त का जो मेरा टिप था वो यही था कि किस तरह से आप अपना कोई भी फॉन्ट इंस्टॉल
करते हैं और ताकि आप उसको अपने आर्टवर्क में यूज कर सकें, इलस्ट्रेटर में यूज कर सकें। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी, ये वेबसाइट भी अच्छी लगी होगी। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हम कैटेगरी के लिहाज से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप भी, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि जब भी आप अपना कोई डिजाइन बनाए तो उसकी एक दिमाग में इमेज क्रिएट किया करें। ये बच्चों के लिए थी, बचकाना सी चीज थी, इसलिए मैंने कार्टून टाइप के फॉन्ट्स यूज किए। जाहिर ऑफकोर्स कोई कॉर्पोरेट चीज डिजाइन करूंगा तो उसमें ये वाले फॉन्ट्स यूज नहीं करूंगा, बट याद रखें ये बहुत जो न्यूबीज हैं ये उनके लिए टिप थी। अगर जो सीनियर्स हैं आप लोग, उसमें बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, अगर पता है तो खैर है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता उनके लिए काफी हेल्पफुल है। आई होप आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।